हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कैसे हो? आशा करता हूँ आप मस्त होंगे, झकास होंगे। तो एक बार आप सामने का व्यू देख लो, किस तरह मस्त व्यू लग रहा है। जहाँ से पहाड़ी पहाड़ है और यार कितना मस्त व्यू है। सो ये रही हमारी ड्यूक 200 और ये रही NS 160 एंड मैस्को क्रोकोडाइल नाम दिया हुआ है। सो ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं कुछ इस तरह से कि हम आए थे, पिछले ब्लॉग में देखा होगा हम आए थे गढ़वाली माता। सो मेरे को काफ़ी दर्द हो रहा पैर में, बिकॉज थोड़ा रास्ता मैंने पैदल तय किया था। सो हम यहाँ पे माथा वगैरह टेका और काफ़ी इन्जॉय किया। तो अभी हम जा रहे हैं वापस, तो हम जाएंगे गोपालपुर से होके, हम फिरोज से होके नहीं जाएंगे। तो चलो आज की राइड करते हैं हम शुरू। सालों के बाद मैं इस मंदिर पे आया, तो मैं लगा कि रोड जो ऊपर तक होगा। सुबह के मैंने टॉप पे ले गया था और बाद में मेरे को याद आया कि ये गढ़वाली माता है। जो रानीताल का नाग मंदिर है, मैं उसी रास्ते को समझ चुका था और मैं बाइक ऊपर ले के सोचा कि बाइक को टॉप पे ही ले जाते हैं। और जो बिल्कुल सांप की तरह यार, शख्स ब्रो को मैंने आती बार ही बोल दिया था कि यहाँ पे वेट कर लेना, बिकॉज रास्ता भूल ना जाए, क्योंकि फर्स्ट टाइम गोपालपुर वाले रास्ते से होके जा रहे हैं। कितने डेंजरस बोर्ड है यार, देख ही सकते हो गाइस। यहाँ पे रोक वगैरह कुछ नहीं लगा रखी, अगर बाइक स्पीड में आए और ब्रेक वगैरह ना लगे तो फिर तो बंदा गया काम से। तो अभी हम आए थे परोर से और हम जा रहे हैं वापस गोपालपुर होके, बिकॉज मेरे को नगरी जाना है और काम भी मेरे को घर में बहुत है। सो नाइट ड्यूटी का भी सीन है, नाइट ड्यूटी का भी जाना है मेरे को। सो वीडियो एडिटिंग भी करनी है, अपलोड भी करनी है, काम बहुत रहता है यार, झंझट बहुत ही रहते हैं। सो जितने भी राइडर चले होते हैं ग्रुप में राइड करने, उसमें बाइक जितनी मर्जी हो, एक हो, दो हो, दस हो, बीस हो, जितनी मर्जी बाइक हो, बट जो सबसे वाला आगे वाला राइडर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, सर के ऊपर जिम्मेदारी बन जाती है कि जो मैं जैसे चलूँ वैसे ही मेरे पीछे पीछे राइडर चले, बिकॉज आगे मोड़ वगैरह आ रहा तो उसको पता होता कि आगे से कोई रोड कैसा है, तो वो हमें सिग्नल दे देता है कि ये रुक जाओ, स्लो चलो या आगे निकल जाओ। जो भी सीन होता है मतलब वो हमें पूरा बताता रहता है कि कैसे राइड करनी है आपने। और जैसे ही मैं मोड़ को काट रहा हूँ तो अभी बाइक बंदा स्लो हो जा रहा, तो मेरे को लग रहा पता कि आगे कुछ मोड़ वगैरह है। अभी हमारे पास दो रास्ते हैं, ये गया प्रोर की साइड, प्रोर नहीं गया, ये गया ऊपर गोपालपुर चिड़ेघर के सब पीछे जो निकलता है, और जो मेरा घर है जहाँ पे नीचे जगह से फिर एक सड़क मिल जाती है, स्टैंड सीखते हैं ये वहाँ से रास्ता। अब ये बोलो कि कहाँ से जाना है, यहाँ से जाना है, ये नज़दीक रहेगा वो। तो अब हमने डिसाइड कर लिया कि हम जा रहे हैं नगरी से होके, बिकॉज जहाँ पे हम स्टंट वगैरह सीखते हैं उस एरिया को कवर करेंगे आज। और भाई साहब को भी थोड़ा जल्दी है घर जाने की, तो बोल रहे कि शॉर्टकट रास्ता कौन सा, तो यही शॉर्टकट रास्ता मेरे हिसाब से। रुक जाओ आगे चलोगे, आगे आएगा लाल लाल का स्कूल ना, फिर वहाँ से टर्न ले लेंगे। आ जाओ पीछे पीछे, बिल्लू या बिल्ली, बिल्ली बच्चा देख रहे था, टंकी फुल है, टंकी फुल है, नहीं उठेगी, नहीं उठेगी, टंकी फुल है। अच्छा कोशिश कर लो, ये रहा घर, घर जा रहा हूँ, यहाँ से नजदीक रहेगा बस, चल रहे बाइक न्यूट्रल चले गए आपके बस, हाँ वैसे यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, पता मेरे को बंदी बस जाना होगा। चलो ठीक है, सो गाइस अक्सु ब्रो चले गए अपने घर और मैं चलता हूँ अपने घर, बिकॉज काम बहुत ही है मेरे को, बहुत ही ज़्यादा। Oh
सो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूं घर के आंगन में। सो ठीक है गाइस, आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और अपने हेतु तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय चिल्ड्रन, टेक केयर, सेफ्टी रहे, सेफ ड्राइव करें, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का भी ख्याल रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।